वंदे मातरम साथियों, अगर आपको या आपके किसी परिचित को सिर दर्द की परेशानी है तो फिर ये वीडियो आपके काम का है। अगर सिर दर्द बहुत तेज़ है तो बस ये दवा पानी में मिलाकर पी लीजिए, 2 मिनट के अंदर सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो जल्दी से बिना रुके आइए देखते हैं राजीव भाई का ये वीडियो जिसमें उस दवा के बारे में बताया गया है। सिर का दर्द, अभी सिर का दर्द जिनको भी है, धोखे दुखने का दर्द जिनको भी है, ये दर्द की अपने घर में स्वयंपाक घर में औषध है, बहुत अच्छी औषध। और स्वयंपाक घर में जो औषध है वो बिना खर्चे की है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा आपका, आराम से आप उसको इलाज के रूप में उपयोग कर सकते। अपने स्वयंपाक घर में नमक है, मीट कौन सा वाला, खड़े मीट, अच्छा आजकल एक मीट आता है बाजार में आयोडीन युक्त मीट, ये है नहीं है तो बहुत अच्छा, जिनके घर में है वो तुरंत निकाल दे, क्योंकि ये जो आयोडीन युक्त मीट है ना, ये धोखे दुखने के लिए सबसे खतरनाक है। जो भी आयोडीन युक्त मीट खाएंगे सबको धोखे दुखने का त्रास आज नहीं तो कल होने वाला है। कारण क्या है, ये आयोडीन युक्त मीट है ना, शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आपने सुना है एक शब्द ब्लड प्रेशर, बीपी, रक्त का दबाव, तो आयोडीन युक्त मीट जास्ती खाओ तो रक्त का दबाव बढ़ेगा, रक्त का दबाव बढ़ेगा तो धोखे दुखने का काम होगा ही। इसलिए सबसे पहला काम ये करो आप कि जिनको धोखे दुखने का त्रास है वो अपने घर से आयोडीन युक्त मीट हटा दो, ये मीट लाना बंद कर, वो टाटा का हो या बाटा का हो, निर्मा का हो या किसी का, अलग अलग नाम से आता है ना, टाटा का नमक, निर्मा का नमक या कैप्टन कुक का नमक, सब आयोडीन युक्त है। जो मीट पर लिखा है आयोडीन युक्त वो घर में मत लाओ, क्योंकि ये मीट से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो धोखे दुखने का त्रास जीवन भर रहेगा, तो आपको ये मीट को हटाना, ठीक है। अब मीट कौन सा लाना, आपके घर में एक मीट आता है जिसको सेंधा लवण करके सेंधा मीट, महाराज जी ने क्या कहते हैं, सेंधव, सेंधव, सेंधव शब्द सुना, सेंधव मीट, सेंधव लवण, वो पत्थर वाला आता है, सफेद सफेद होता है, वो मीट घर में लाना जी, सेंधव लवण। और एक मीट आपको देखा काला काला आता है, क्या कहते हैं उसको मराठी में, क्या कहते हैं, पाधे लोग, पाधे, पाधे लोग, आपने देखा नहीं काला नमक, ये नमक ना, ये दो नमक घर में ना, एक तो सेंधव और एक तो काला, ये दोनों मीट जो भी खाएगा उसका धोखे दुखने का त्रास ऐसे ही करेगा। समझ में आया, सेंधव मीट बाजार में मिलता है, थोड़ा महंगा है, क्या भाव, 10 रुपए किलो, 20 रुपए, 20 रुपए किलो है, लेकिन चलेगा अपने स्वास्थ्य के लिए, तो 20 रुपए किलो कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं। तो आज के बाद आप जब अपने घर जाना तो घर का मीट बदलना पड़े, धोखे का त्रास दूर जिसको करना है वो मीट बदले पड़े, आप सेंधव लवण खाना शुरू करो। कैसे खाएंगे, दाल में, सब्जी में, भाजी पाला में, सब जगह खाइए, ठीक है। और जिनको बहुत ज्यादा धोखे का दर्द है, बहुत ज्यादा, उनको पानी में मिला के पीना, पानी में मिला सेंधव मीट थोड़ा पानी में डालना, ठीक है। फिर इस पानी में थोड़ा गुड़ मिलाना, गुड़, गुड़ समझते हैं, गुड़, बाजार में 2 तरह का गुड़ मिलता है, एक तो है बहुत सफेद और एक है थोड़ा काला काला, जो काला वाला है वो अच्छा, सफेद वाला अच्छा नहीं, क्योंकि सफेद गुड़ में निर्मा वॉशिंग पाउडर मिला,
तो जाति सफेद गुड़ नहीं था, तो जो थोड़ा काला है, चॉकलेटी कलर का है, चॉकलेट के रंग जैसा गुड़ आता है वो तो अच्छा। तो सेंधव मीट ले लिया, सेंधव लवण, थोड़ा सा गुड़, एक गिलास पानी, थोड़ा सा सेंधव मीट, थोड़ा सा गुड़ मिला लिया। अब इसमें और एक चीज मिला, अपने घर में एक सोडा होता है, सोडा जानते हैं, खाने वाला सोडा। बस ये तीन चीजें हैं, सोडा, खाने वाला, नमक, सेंधव और थोड़ा सा गुड़। ये तीनों मिलाकर एक गिलास पानी में रोज सकाळी कोई भी पीले अनुसार पोटी तो गल के दुखने का सब त्रास खत्म हो जाए। और जीवन पर्यंत तो डोके दुखने का त्रास आपको ना हो, इसके लिए ध्यान ये रखना है कि हमेशा दैनिक जीवन में सेंधव मीट ही खाना। खड़ा मीट, सेंधव मीट खड़ा मीट है। अब ये खड़ा मीट आता है बाजार में, जिसको आयोडीन युक्त नहीं किया गया वो चलेगा, लेकिन समुद्र के पानी का बना हुआ है तो तकलीफ है। अगर वो पत्थर वाला है तो अच्छा। आप दुकान वाले से पूछना कि ये समुद्र के पानी का है, दरिया के पानी का है, तो नहीं होगा, क्योंकि दरिया के पानी के बीच में ही कटनी। भारत के बारे में एक रिसर्च हुआ, शोध हुआ, 1930 के साल तक भारत के लोग सेंधव मीट ही खाते थे, संपूर्ण भारत। महात्मा गांधी के आने के बाद वो मीट सत्याग्रह हुआ, तो समुद्र के पानी का मीट खाना लोगों ने शुरू किया और उसके बाद बीमारियां शुरू हो गई, बहुत बीमारियां। उसके पहले बीमारियां बहुत कम थी, धोखे धोखने का त्रास तो 1930 के पहले इस देश में होता नहीं था, मामूली होता था, 1,00,000 लोगों में से 1 या 2 को होता था। अब धोखे धोखने का त्रास इतना हो गया है कि 1,00,000 में से 10,000 को है। ये मीट के कारण हुआ है, तो आपके घर का मीट बदलना है, आपको काम क्या करना है, सेंधव मीट लाना है, काला मीट लाना है और ये आयोडीन युक्त मीट हटाना है, खड़ा मीट लाना है, पिसा हुआ मीट कभी उपयोग करना है, ठीक है। और एक माहिती, आखिरी माहिती, महाराष्ट्र में मैं देखा है कि एक परंपरा है, हम खाना जब खाते हैं ना तो मीट ऊपर से खाते है ना, ये परंपरा बहुत पुरानी है, ये तब की परंपरा है जब सेंधव मीट काम में आता था। तो सेंधव मीट को ऊपर से डाला जा सकता है, आयोडीन युक्त मीट कभी भी ऊपर से डाला तो सत्यानाश होने वाला शरीर का। तो आप महाराष्ट्र में जब भोजन परोसते हैं किसी भी आपके मेहमान को या अपने लिए, तो थाली में जो मीट डालते हैं ये तभी डालना जब वो सेंधव मीट हो। अगर आयोडीन युक्त मीट आपने डाल लिया थाली में तो वो तो मारा जाएगा जिसकी थाली में आपने डाला, अगर उसने उठा के दाल में डाल दिया तो और तकलीफ, क्योंकि मीट को बिना पकाए हुए भोजन में अगर डालें तो वो जहर होता है, विष होता है। मीट को बिना पकाए अगर भोजन में डालें तो वो विष है, जहर है, उसको पकना चाहिए। कैसे पकना चाहिए, आप वरण बनाए दाल, उस समय आपने डाल दिया फिर उबल गया वो मीट तो ठीक है, लेकिन वरण बनने के बाद आपने मीट डाला उसको गर्म नहीं, समझ आया, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो धोखे का दुखावा होगा। इसलिए ब्लड प्रेशर आपका ना पड़े इसके लिए ये उपाय आपको करना है कि थाली में मीट अगर डालें तो सेंधव मीट हो, नहीं तो ये आयोडीन युक्त मीट कभी डालना नहीं थाली में। आप समझ आए, क्लियर, धोखे का त्रास दूर हो जाएगा। जिनको ज्यादा त्रास है उनको औषधि लेनी है, कैसे लेनी है, 1 गिलास पानी, थोड़ा सा सेंधव मीट, थोड़ा सा गुड़ और क्या मिलाना, सोडा, कौन सा सोडा, खाने वाला, दो सोडे आते हैं, एक कापड़ धोने का भी आता है वो मत डालना, खाने वाला सोडा। तो जिनको जास्ती धोखे का त्रास है वो सकाळी 1 गिलास पानी, थोड़ा सा सेंधव मीट, थोड़ा सा उसमें गुड़ और थोड़ा सा खाना सोडा मिला के सुबह सुबह पी लेना, 1 ही मिनट में, जास्ती से जास्ती 2 मिनट लगता है धोखे का त्रास एकदम गायब। आज के वीडियो में इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।